Sir, you have to write. Wait, wait, wait. Same, it's the same, same thing. Look here. One more here. Wait up, wait, wait. Thank you. Thank you for that. Ajay. कॉमन कर लो ना सब और कुछ जो भी है ठीक ओ सॉरी नाउ इट्स ऑल ऑफ देम ना बाकी जाना डॉक्टर साहब को बेटा मैं आ रहा हूं उधर ही हम लोग दोनों कर ले या यू नीड टू कॉल एनीवन द प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ना प्रॉपर कर लेते ना सब आए हैं उसके लिए तो शामक इज कमिंग अच्छा लगेगा विद एवरीवन देयर ना चलिए प्रैक्टिस करते हैं आई नीड इट नो नो स्टील लाइंस फ्रॉम यू आप लोग सब जानते हैं कि इस बार पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसके लिए इंडिया होस्ट है एंड दिस इज़ एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर आर कंट्री टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम यर एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशंस कम्स आउट विद अ थीम एंड दिस ईयर इट्स बीट प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक एंड डिग्रेडेबल प्लास्टिक हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द यूथ एंड फॉर जनरेशंस टू कम इन सो आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड वी आर प्रोपगेटिंग इट फ्रॉम हियर विद द यूथ टीम बिकॉज द यंगस्टर्स द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर वेरी कंसर्न बिकॉज दे हैव टू लिव विद दिस एनवायरमेंट फॉर मोर देन एनी ऑफ अस सो देर इज एन एग्जायटी देर सम क्यूरियोसिटी के हाउ डू वी इंश्योर दैट वी प्रिजर्व दिस प्लैनेट इन अ बेटर वे And which is why we plastic pollution ban and Maharashtra state was the first to ban this and I think that's a very good move by the government of Maharashtra and we welcome this move and from here all the activists residents associations social activists have all come together with a pledge okay we will ban plastic and to start with I have myself started I have told my wife my daughter that stop using take carry your own plastic or jute bag when you go to shop Stop using straws. You can even drink from the bottle. And I have started carrying my own metallic bottle instead of a plastic bottle. So when I want to preach, I have to first practice that. And I think it's going to reach to a greater audience. And people are aware. It's become a movement. When we started 10 years back, when we did the World Environment Day, it was like, what are we talking about? When we talked about rain water harvesting, what are we talking about? People say. When we talk about solar panel, they say, what are you talking about solar panel? लेकिन आज हर शख्स इसमें हिस्सेदारी लेना चाह रहा है ये बहुत अच्छी बात है ये एक गर्व की बात है और हमें इस मूवमेंट को ज़िंदा रखना है जागरूक रखना है क्योंकि जब तक लोग जागरूक है ये मूवमेंट चलेगी और जनरेशंस तक ये बात आगे जाएगी तो हमारी फाउंडेशन की जानिब से डी वाई पाटिल स्कूल अजिंक्य जी के साथ शान जी ने एक बहुत खूबसूरत कंपोजिशन किया है जो उन्होंने किया है मुझे लगता है वही बताए तो ज़्यादा न्याय होगा बनिस्बत मैं कहूँ तो आप इनसे ही बात करें नहीं बिल्कुल जब आसिफ भाई से मैं पहली बार मिला उस दिन हम लोग एक अभियान करने के नाते हम लोग कार्टर रोड पर एक नया रिसाइकल बिन इनाग्रेट करने मैं गया था उस दिन और वहाँ हम लोग मैंग्रोव्स में जाकर कुछ साफ़ सफाई के चक्कर में वहाँ उतरे थे तो वहाँ जाते ही मैंने देखा कि इतनी वो प्लास्टिक पैकेट्स हर मैंग्रोव के साथ लगा हुआ चिपका हुआ है और बोतलें सब पड़ी हैं जो बार बार जितनी बार वो कह रहे थे जितना साफ़ करते हैं ये फिर वापस आ जाते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग दिस क्लॉगिंग तो मैंने अपनी आँखों से प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं एक बार यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं चाहे वो बिस्लरी मतलब चाहे वो कोई मिनरल वाटर की बोतलें हो स्ट्रॉज हो
रैपिंग्स हो, प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं वन टाइम यूज़ करके फेंकते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं, वो रह जाती हैं यहाँ बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो एक एंटरटेनिंग गाना भी हो जिसमें ज़्यादा प्रीची बातें ना हो, लेकिन साथ साथ लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ये जो हम करते आए हैं इसे अभी हमें रोकना होगा। और दुश्मन प्लास्टिक नहीं है, दुश्मन वो इरिस्पॉन्सिबल हम हैं जो हम लोग चीज़ को यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं। जैसे मैं तो कहता हूँ कि ये यूज़ करना फेंक देना ये कल्चर है बड़ा डेंजरस, जिसकी हम इज्जत ना करें वो क्यों खाए हम पे तरस ना। तो उस तरह से ही अभी ये प्लास्टिक जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक प्रदूषण तो है साथ साथ यू नो जहर बन के टॉक्सिक बन के ये हमें अलग अलग डिजीज़ेस, अगर आप पढ़ें इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं जब ये गाना बनाने गया तो मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी भी लेनी ज़रूरत थी। साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, प्लास्टिक एक सस्ता किफ़ायती सल्यूशन है काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन ये जो हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं फेंक देते हैं ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो उस तरह की प्लास्टिक जिसे आप एक टाइम यूज़ करके फेंके, इस तरह की प्लास्टिक इस्तेमाल करना अब बंद करना होगा। यानी जो मिनरल वाटर हम प्लास्टिक की बोतलों से पीते हैं वो बदलना होगा, जो हम प्लास्टिक के पैकेट में चीज़ें लेकर फिर वो प्लास्टिक पैकेट फेंक देते हैं वो मनोवृत्ति बदलनी होगी, जो जैसे हम लोग फूल लेते हैं तो उसके ऊपर वो जो एक प्लास्टिक की एक रैपिंग होती है उसे आप अवॉइड करो, लोगों को आप फूल दे रहे ना तो आप उस पर सेल्फी लगा कर क्यों दे रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर बदलें तो ये जो प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है हर जगह ये घट सकता है। हाँ गाना गा देते नहीं, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट या जो रूल्स है वो तो हो ही रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है बिकॉज इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट वुड क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, वुड क्रिएट लॉट ऑफ पीपल गोइंग आउट जॉब्स अगर आप अचानक से ये बंद कर देते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसकी जो मैकेनिज्म जो मशीन्स हैं वो अब तक यहाँ आई हैं नहीं आई हैं, वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगाई कितनी बढ़ेगी एक रिसाइकिल प्रॉपर जो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं वो महंगा होता है और जो नहीं होता वो सस्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हम एज सिटीजन्स इसकी अगर हम डिमांड कम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई कम होगा। अब मैं जैसे एंटी स्मोकिंग के अभियान में भी इन्वॉल्व था, अब हम स्मोकर जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर उनको पास जाकर तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स है जो यूथ है उनको हम ज़रूर कह सकते हैं कि आप स्मोकिंग कम करो, गुटखा मावा गोवा ये कम करो, यही चीज़ हम कर सकते हैं। तो हम कंपनी मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है वो क्या कर रही है वहाँ उंगलियाँ ना उठाकर हम अपनी जो हैबिट्स हैं उसको हम बदल सकते हैं। ज़रूर होगा, और अब जो हम ये गाना बना रहे हैं इसको लोग सुनेंगे, इसमें एक एंटरटेनमेंट भी है साथ साथ इसमें मैसेज बहुत स्ट्रांग है। स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है और मैंने इसका म्यूज़िक किया है, और शंकर महादेवन से लेकर मतलब हर किसी ने, सोनू निगम, अरमान मलिक, आयुष्मान खुराना, लड़कों में भी यहाँ सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, नीति मोहन, सब ने गाना गाया है। सो आई एम श्योर सब अपने अपने सोशल मीडियाज़ में इस चीज़ को लेकर खुद भी कहेंगे, बताएंगे हम सबको। शायद कनिका इज़ इवन अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, सो आई एम श्योर कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बढ़ेगी, और हर कोई चाहता है कि एक एनवायरनमेंट फ्री, पोल्यूशन फ्री वातावरण में हम रहें, सो आई एम श्योर कम होगा। लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट। कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, क्योंकि वक्त बहुत कम है अपने पास, सो वी कांट कीप यू नो जो आप कह रहे थे ना हर साल कहते हैं लेकिन इस साल करके दिखाएंगे। थैंक यू।
सामने थोड़ा पार्टी है सर। नंदिनी ले ले सर, उधर उधर ऐसे ही। हाँ बराबर, हाँ बराबर सर। सर आप इसमें ज्वाइन हो जाइए ना, ज्वाइन। हाँ एक ही बैल। अच्छा हाँ एक ही बैल। நந்தினி இந்த கார்டு கொடுக்கு சார். யாருக்கு Heartiest congratulations to Bamla Foundation for its 21st anniversary. Bamla Foundation has been working in so many spheres, but this time I'm very happy that they're working to save the planet, environmental issues, especially thinking of the better use of plastic. I think the tourism industry in Maharashtra, in India and around the world is facing a lot of plastic issue, because we have to be responsible. Tourism is something what the tourism sector wants. That's why all the tourists in the world, I appeal to you all that be responsible. The places you all visit are beautiful. Let the beauty remain. So don't use plastic, or if you litter plastic, put it in the dustbin. ने मेरे बहुत पुराने मित्र हैं आसिफ भामला, और उनका भामला फाउंडेशन एक अरसे से मुंबई में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आसिफ को और उनके भामला फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज इनका पूरा फंक्शन प्लास्टिक बैन के ऊपर है। हम सब चाहते हैं प्लास्टिक बैन हो, बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आइलैंड सिटी में रहते हैं, और आइलैंड सिटी में समुद्र में जितना प्लास्टिक जाएगा उतना ही हमारे लिए जीवन खराब होता है। सरकार ने प्लास्टिक बैन का एक फैसला लिया, मैं ऐसा सुन रहा हूँ, लेकिन सचमुच मुंबई में अभी प्लास्टिक बैन है ये कहना मुश्किल है, और सचमुच बैन हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में बगैर सोचे समझे अनाउंसमेंट कर दिया। लगभग 2500 से ज़्यादा प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले 2.5 लाख से ज़्यादा कामगार हैं। सभी फैक्ट्रियों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, उनका बिजनेस है, धंधा है, तो बिल्कुल प्लास्टिक बैन करिए। उन कंपनियों को कहिए कि आने वाले 1 साल 2 साल में आप अपनी फैक्ट्री बंद करो,
तब कहीं जा करके उन फैक्ट्रियों के ऊपर जो बैंक का लोन है, जो उनका बिजनेस है, वो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे, एक दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे, और साथ साथ जो मजदूर हैं उनको दूसरी नौकरी ढूंढने का एक मौका दिया जाएगा। अचानक आप कहते हैं कि एक महीने के अंदर प्लास्टिक बैन करो, उसके बाद दो तीन कंपनी, दो तीन अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुला के बोलते हैं तुमको एक महीने की छूट देंगे, तुमको डेढ़ महीने की छूट देंगे, ये सब बहुत फिशी है, सैडी है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत दिख रहा है। तो प्लास्टिक बैन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि इससे प्लास्टिक बैन नहीं होगा, शायद इनकी जेब थोड़ी सी भारी हो जाएगी। मैडम हाँ सब बर बर अरे सर इकड़े बघा सर सामने मैम आपकी लड़का भी सही आप दिया ना आपके लड़के ये सिंगल कौन सी दिया ना एक सिंगल पिक्चर हमारे बैंक के साथ सिंगल सिंगल मैडम दिया जी सामने रोलिंग।
Tell us about this plastic pollution. How are you associated? UN environment ने एक बहुत important मुद्दा बनाया है इस World Environment Day का, वो है beat plastic pollution. हम सब जानते हैं कि pollution प्लास्टिक से हुआ कितना प्रदूषण हम सब झेल रहे हैं, हमारे चाहे वो हवा की बात करें या मिट्टी की बात करें या समुंदर के पानी की या तालाब के या नदी के या हमारे जो शहर के ड्रेनेज होते हैं, गटर होते हैं या सड़क के किनारे होते हैं, हर जगह आजकल हमको सिर्फ प्लास्टिक 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 नज़र आता है. तो कोशिश ये है कि इस साल हम एक संगठन बना सके जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बनाएं, जिससे एक तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि प्लास्टिक का प्रदूषण हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है और कितना वातावरण के लिए हानिकारक है. और दूसरा हिस्सा इस बात का ये है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कैंटीन्स, ग्रोसरी स्टोर्स, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के जहन में ये बात उतरे कि प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना बढ़ गया है और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले टू कॉम्बैट एंड टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन. दूसरी बात ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ के पॉलिसीज़ बना सके टू कंटेन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैनेज प्लास्टिक वेस्ट बेटर. ये बहुत बड़ा हिस्सा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कैंपेन का ऑफ बीट पोल्यूशन. दो तरीके होते हैं, एक तो लोगों का जो जीने का या रहन सहन का नज़रिया है उसमें बदलाव लाना, जिसे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियरल चेंज, और दूसरा है टू मेक प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक वेस्ट. मैं आपको एग्जाम्पल पे के तौर पे एक सिंगल यूज़ आइटम प्लास्टिक का एग्ज़ाम्पल देती हूँ. हम लोग कहीं जाते हैं, ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और उसके साथ स्ट्रॉ आ जाता है. हम मांगते भी नहीं लेकिन आ जाता है. और जो वो स्ट्रॉ जो हम कुछ क्षणों के लिए यूज़ करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो वातावरण में 500 साल तक रह जाता है. तो ये तो सिर्फ एक आइटम है प्लास्टिक का. आप सोचिए कि जिस टाइम से आपके आँखें खुलती हैं तब तक आप सोते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसे कितने प्लास्टिक के आइटम्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनको एक्चुअली हमको ज़रूरत नहीं है उपयोग करने की. अगर जैसे कि प्लास्टिक बैग के जगह हम कपड़े की थैली अपना लें और उसका मतलब इस्तेमाल करें, जैसे कि हम पारंपरिक तौर पर करते हुए आ रहे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, ये देखा गया है कि पिछले 5-10 साल में प्लास्टिक का इतना उपयोग बढ़ गया है. कन्वीनियंस के नाम पे हम अपने सेहत को हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं. तो कोशिश ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, माने प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की कटलरी जैसे कि फोक, स्पूंस, प्लेट, कप्स, तीसरा आइटम प्लास्टिक्स का है प्लास्टिक स्ट्रॉज, और चौथा आइटम है स्टायरोफोम प्लेट्स एंड स्पूंस एंड कप्स. इनका उपयोग पूरी तरह से बंद करवा देना, और अल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनको बढ़ावा देना, उनको एक्नॉलेज करना, लोगों तक उनकी पहचान बढ़ाना, यही कोशिश है. अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद होकर एक मूवमेंट कायम किया है. उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलके इस मूवमेंट को आगे ले जा पाएंगे और हम सब अपनी जगह बार बार लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करें कि ये जो आइटम्स है, स्ट्रॉज, बॉटल्स, पैकेज्ड वाटर, ये सब प्लास्टिक बैग्स, इनका हम इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें. मैम, डिस्पाइट सो मेनी अवेयरनेस, बट कहीं ना कहीं वापस से वही आ जाते हैं, जहाँ इनिशिएटिव को आगे लिया जाए वापस ही थोड़े टाइम बाद वापस पीछे आ जाए. ये प्रॉब्लम ये तब बनता है जब लोग इकट्ठा होके साथ मिलके इसको अचीव नहीं कर पाते. जैसे कि 2011 या 2013 में महाराष्ट्र में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया था, प्लास्टिक बैग्स बैन हुए थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. वो इसलिए क्योंकि एक तो जो नागरिक है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको बदलना पड़ेगा, है ना. जैसे कि मैं खुद अपने, चाहे वो हमारे सब्ज़ी वाले हो या हमारे मेडिकल केमिस्ट हो या जो भी हो, जब हमारे घर पे सामान आता है हमने रूल बना दिया है कि अगर प्लास्टिक बैग में आप ला रहे हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
आप जूट या कपड़े या जो भी नेचुरल मटेरियल की थैली है उसमें सामग्री डाल के लाएँ। दूसरी बात यह है कि मैं खुद अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ये कोशिश करती हूँ कि एक तो बोलना है, दूसरा प्रैक्टिस करना है। करेक्ट, मैं अपना खुद का बॉटल लेके घूमती हूँ हर जगह। स्टील का बॉटल है मेरा 1 लीटर का। आप कभी भी, आप लोग सब फोटोग्राफर्स हो, प्रेस में हो, आपको कभी भी मेरी तस्वीर प्लास्टिक बॉटल के हाथ में लेकर नहीं मिलेगी। तो और इस उम्मीद से करते हैं कि ऑफकोर्स हमारा खुद का जो प्लास्टिक पैकेज वाटर का कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जब लोग हमारी तस्वीर देखते हैं या हमें बोलते हुए सुनते हैं तो होप यही है कि वो भी प्रभावित हो, इंस्पायर हो और ख़ुद भी करने लगे। सो मैम, आप हमेशा इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा और एक आप इनिशिएटिव कर रहे हैं, स्नो लेपर्ड को भी आप सेव कर रहे हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ कहना चाहें। अब अच्छी बात ये है कि जब आप UN एनवायरमेंट एम्बेसडर बन जाते हैं तो आपको बहुत अहम और बहुत अच्छे मुद्दों का हिस्सा बनने को मिलता है, एंड यू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू मोबिलाइज पार्टिसिपेशन एंड चेंज। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर हमने बिग कैट्स चैलेंज किया लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि ये लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ये सिर्फ बिग कैट्स नहीं हैं, ये हमारे पानी को, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। दे सप्लाई, दे सर्व वाटर टू ऑल ऑफ अस, राइट? क्योंकि हमारी कहावत है कि जंगल नदी की माँ है, और जंगल वहीं रहते हैं जहाँ पर बिग कैट्स बसते हैं। तो इतने बड़े लोगों के बीच हमारा उससे जुड़ना और हमारा जो हमने मैनेज किया एक पार्टिसिपेशन गैल्वनाइज करना, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। कल संजू की टीज़र रिलीज़ हुई, मैं इनफैक्ट अभी राजू सर से बात कर रही थी, बहुत सुपर्ब रिएक्शंस मिल रहे हैं टीज़र के लिए, एंड इट्स ट्रेंडिंग इनक्रेडिबली वेल, विच इज़ अ ग्रेट इंडिकेशन ऑफ हाउ इट्स डूइंग। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा जैसा ये इसका कैंपेन खुलता जाता है लोगों को फिल्म और भी एक्साइटिंग लगे और सब जाएं इस फिल्म को देखने। ओके, इसके अलावा आप सून बहुत ही जल्द एक डिजिटल में भी आप डेब्यू करने वाले हो, प्रोड्यूस भी करने वाले हो, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर बता सके। वेल, डिजिटल मीडियम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम। आई थिंक एज स्टोरी टेलर्स हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता बॉक्स ऑफिस का, और आई थिंक टैलेंट के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चाहे वो राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एडिटर्स हो, एक्टर्स हो। इनफैक्ट एक्टर्स के लिए बहुत दरवाजे खुल गए हैं कर्टसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी मौका मिल रहा है इसका हिस्सा बनने का, एंड आई होप दैट हम सब मिलके कुछ अच्छा करते रहें और लोगों को इंस्पायर करें टू डू मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म। I want to congratulate the Bhamla Foundation for completing 21 years. आसिफ भामला जी जब भी मुझसे मिलते हैं कहते हैं कि पता है 21 साल से मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि एनवायरनमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं। अब जाके लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि अगर एनवायरनमेंट का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो हम सबका स्वास्थ्य खराब बिगड़ने वाला है। तो धीरे धीरे करके लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने 21 साल से बतौर बहुत सारा काम किया है, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे साथ जुड़ के, साथ मिलके हम और भी काम करें और अच्छा काम करें। थैंक यू।